नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखते हैं, अगर जब हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं और कई हार्ड डिस्क के पार्टीशंस कर देते हैं, तो जनरली जो आप फॉर्मेट करके जिसमें डाउनलोड कर लेते हैं अपना विंडोज़, उसके अलावा जो पार्टीशंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अगर आप माय कंप्यूटर में जाते हैं तो उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उन्हें निकाल सकते हैं, तो मैं वो भी इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। उसके लिए जैसे आप यहाँ जाते हैं, जनरली माई कंप्यूटर में जो पीसी लिखा है, तो देख सकते हैं इसमें कुछ आपको हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है। एक तो हमने ऑलरेडी ठीक कर दी है, तो जो नई ये जी वाली, ये हम ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। तो बाकी जो करनी है तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर पे और इसमें मैनेज क्लिक करेंगे। ये स्क्रीन आने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक ये वाला जिसमें 100 GB रॉ लिखा है और एक ये 65.76 GB रॉ लिखा है, ये दोनों पे कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं है, ना तो सी लिखा ना डी ना ई, कुछ भी ऐसा ड्राइव लेटर असाइन नहीं है। और ये वाला हम अभी रिसेंटली हमने इसको किया है जी, इसको असाइन किया था तो इस पर आ गया है। तो इसको अब जो बाकी के दो बचे हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। आप इस पर राइट क्लिक करिए तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके पास एक ये वाला ऑप्शन आएगा, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, आप इसे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पर जो ऐड लिखा है आप इसे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ड्राइव लेटर ऑलरेडी असाइन करने के लिए दे देगा, आपको सिर्फ अब ओके करना है। तो आप देखेंगे कि ये ड्राइव लेटर उसको मिल गया है। उसके बाद ये आपसे ऑप्शन देगा कि आपको अगर इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, आप चाहें तो अभी फॉर्मेट कर दें, चाहे इसको बाद में फॉर्मेट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो आपको कैंसिल करना होगा, नहीं तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट डिस्क करेंगे तो आप इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के आपको एक स्क्रीन मिलेगी, क्विक फॉर्मेट में आप स्टार्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपका एक और ये जो आपका पार्टीशन है इस पर भी आप राइट क्लिक करिए, दोबारा से चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, फिर ऐड पे जाइए। इसमें देखिए ऑलरेडी इसने जे असाइन कर दिया, आप इसे ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे ये भी आपकी दोबारा से वही ऑप्शन देगा कि आप इसे फॉर्मेट कर लीजिए। तो आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए और स्टार्ट दबा के हो गया तो ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो पहले अभी आपके ड्राइव्स नहीं दिखाई दे रहे थे माई कंप्यूटर में, वो अब आपको विजिबल हो जाएंगे। देखिए आपके पास पहले ये ना तो इधर आई था ना इधर जे था, और इसी तरह से हमने जी को भी लिया था। तो ये हमारे जो तीनों हार्ड डिस्क हैं, ये रिसेंटली हम लोगों ने अब यहाँ दिखाने लग गया माई कंप्यूटर में, जो कि पहले नहीं था। आई होप ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी वीडियो। आपका दिन आपके लिए शुभ रहे।